अगर आप भी MySQL चलाते हैं और MySQL का विकल्प खोज रहे हैं तो MySQL का एक अच्छा विकल्प हो सकता है एक्सेस। कैसे, आइए दिखाता हूं। अगर आप MySQL ओपन करते हैं तो MySQL में आपको डेटाबेस बनाने के लिए कोडिंग लिखनी पड़ती है और वो कोडिंग MySQL में लिखनी पड़ती है। और यहाँ पर अगर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस आप यूज करते हैं तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस की क्या कहानी है उसको देख लेते हैं। तो यहाँ से फाइल पे चलते हैं और हम न्यू क्वेरी बनाएंगे। तो यहाँ से न्यू क्वेरी पे आ गए और अब यहां पर आपको सबसे पहले डेटाबेस बनाना होगा। तो क्रिएट डाटाबेस, ठीक है, ये लिखना होगा। ठीक है, क्रिएट के बाद गैप देंगे इस तरीके से और फिर यहाँ लिखेंगे डाटाबेस और यहाँ पे डाटाबेस का नाम देंगे जो भी डाटाबेस है हमारा। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर स्कूल का डेटाबेस बना रहा हूँ तो यहाँ पे जो भी है इसी नाम से डेटाबेस बनाना है तो ये लिख के टर्मिनेशन देंगे फिर यहाँ से इसको रन कराएंगे। तो देखिए डेटाबेस क्रिएट हो गया हमारा। अब यहाँ पे शो डेटाबेस में SCHH वाला डेटाबेस भी दिखाई देगा जब हम चलाएंगे। तो शो डाटाबेसेस, तो सारे डेटाबेसेस को देखने का ये कमांड होता है। तो सारे डेटाबेसेस को देखना है तो यही कमांड आपको लिख देना है और लिख देने के बाद इसको सेलेक्ट करके और यहाँ से इसको चलाना है। तो ये जब चलाएंगे तो ये सक्सेसफुली रन हो जाएगा और जो बनाया हमने अभी SCHH, तो देखिए यहाँ पर ये शो कर रहा है। ठीक है, यही कहानी अगर एक्सेस में बात करें तो कैसे होगी। तो देखिए एक्सेस में आपको सीधा यहाँ ब्लैंक डाटाबेस दिखाई देता है। ऊपर करते हैं, यहाँ पे ब्लैंक डाटाबेस दिखाई देगा, क्लिक कर दीजिएगा। जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ नया डेटाबेस का नाम आ जाएगा। आप चाहे तो डाटाबेस का नाम चेंज कर सकते हैं लेकिन फिलहाल यही रखते हैं और क्रिएट पे कर देते हैं क्लिक। तो हमारा डेटाबेस तैयार हो गया लेकिन यहाँ पर हमें क्वेरी कब बनानी है, कैसे बनानी है उसकी बात कर लेते हैं। इस टेबल को हम क्लोज करते हैं यहाँ से और सीधा चलते हैं कहाँ पर, यहाँ पर क्रिएट पे आते हैं और क्रिएट पे आने के बाद क्वेरी डिजाइन पे आना है। जैसे ही आते हैं ना तो इस वाले टैब को क्लोज कर दीजिएगा। यहाँ देखिए जो शो टेबल वाला आ रहा है ना इसको यहाँ से क्लोज करिएगा और यहाँ से एसक्यूएल व्यू पे चले जाइएगा और यहाँ पर सीधा सीधा आ जाइएगा। अब यहाँ पर आप लिखिए क्रिएट टेबल, क्योंकि डाटाबेस तो ऑलरेडी बना पड़ा है। अब यहाँ से सीधा टेबल बना सकते हैं आप, लेकिन MySQL में डाटाबेस बनाने के बाद टेबल की पूरी क्वेरी आपको लिखनी पड़ेगी, सारा काम आपको करना पड़ेगा। ठीक है, क्रिएट टेबल। अब मान लीजिए यहाँ पर स्कूल नाम से टेबल बनाना है तो यहाँ पे स्कूल लिख दिया हमने, ब्रैकेट ओपन किया। अब यहाँ पर जो भी डेटा टाइप वगैरह देने हैं वो आराम से दे सकते हैं आप। जैसे मान लीजिए आपको देना है रोल नंबर तो रोल लिखा, अंडरस्कोर नंबर हो गया ये। ठीक है, इसका डेटा टाइप इंट रखा, फिर कॉमा लगाया, फिर यहाँ पे क्या करेंगे, दूसरा आएगा नेम ऑफ स्टूडेंट, तो ये नेम हो गया, अंडरस्कोर लगा के लिखिएगा नहीं तो ये काम नहीं करेगा। ठीक है, तो नेम ऑफ स्टूडेंट हो गया और यहाँ पे इसका डेटा टाइप क्या रख दिया मैंने, वेयर केयर रख दिया, वेयर केयर। ठीक है, और इसकी साइज रख दी 20, सेम चीज है लेकिन यहाँ पे थोड़ा ज्यादा आसान है। ठीक है, और फिर मान लीजिए अगला करना है तो यहाँ पे अगला कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए ये मैं लिख देता हूँ क्लास, CLASS क्लास कर दिया, और क्लास का डेटा टाइप क्या होगा, इंट होगा। अब इस ब्रैकेट को क्लोज कर देते हैं, मान लीजिए इतना ही डेटा चाहिए तो यहाँ पे क्लोज कर देते हैं और यहाँ पे टर्मिनेट कर देते हैं और फिर इसको यहाँ से रन कर देंगे। ठीक है, ये रन करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे टेबल बन गई। ठीक है, अब इसके अंदर इंसर्ट करना है तो आप इंसर्ट इनटू कमांड चलाइए, यहाँ या यहाँ से भी जा सकते हैं। ठीक है, ये बहुत आसान है, आपको अगर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस यूज करेंगे तो ये बहुत आसानी से होगा। ठीक है, लेकिन इसमें देखिए प्राइमरी की हमने नहीं बनाया, तो प्राइमरी की का क्या, तो सबसे पहले तो ये क्वेरी पे आते हैं, ये हमारी क्वेरी है और यहाँ पर हमने रोल नंबर को इंट डेटा टाइप रखा है और यहाँ पे आगे लिख देंगे इसके क्या लिखेंगे, नॉट नल, नॉट नल मतलब इसको खाली नहीं छोड़ सकते, नॉट नल का मतलब यही है। ठीक है, तो यहाँ पे नॉट नल लिख दिया है हमने, नॉट नल। ठीक है, इसे खाली नहीं छोड़ना है। ठीक है, यहाँ पे दे देंगे प्राइमरी की, क्या दे देंगे, प्राइमरी की। तो ये हो गया, अब इसको वापस से हम इसको चला देंगे यहाँ से डिजाइन पे जाके और इसको रन करा देंगे। तो ये ऑलरेडी रन हुआ पड़ा है, इसमें रन कराने की कोई आवश्यकता है नहीं। क्वेरी लिखिए, इसको सेव कर देता हूँ मैं स्टूडेंट क्यू के नाम से, स्टूडेंट क्यू। अब जब इसको चलाएंगे ना तो इसमें या तो आप रिकॉर्ड इंसर्ट कराइए दूसरी क्वेरी बना के, और नहीं तो आप ऐसे भी जा सकते हैं, यहाँ पे टेबल पे जाइएगा तो ये टेबल ऐसे देखने को मिलेगा आपको। ठीक है, तो हमने प्राइमरी की बनाया तो क्या प्राइमरी की एक्सेप्ट कर रहा है इसमें, तो यहाँ पर मैं एंटर करके आपको दिखाता हूँ कि प्राइमरी की एक्सेप्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। यहाँ पे हो गया इस तरीके से और यहाँ पे देखिए यहाँ पे टू लिखा है। ठीक है ना, और रोल नंबर टू है तो अगर टू को रिपीट करते हैं तो क्या ये चलेगा। ठीक है, एक बार चेक करते हैं यहाँ पे, तो ये हो गया और यहाँ पे 11 कर देते हैं और यहाँ देखिए ये अभी रिपीट कर रहा है क्योंकि वो डेटा अपडेट नहीं हुआ इसमें। ठीक है, इसको अपडेट करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमको अलग से यहाँ पर ये करना पड़ेगा। देखिए कैसे, यहाँ पे गए, यहाँ पे इसे क्लोज किया और ये जो बनाया हमने यहाँ पे क्वेरी, इसको हम ओपन कर लेते हैं। ठीक है, ये ओपन किया, अब यहाँ पर जाकर के ये जो प्राइमरी की हमने दिया ये प्राइमरी की सपोर्ट नहीं कर रहा है क्योंकि ये चला ही नहीं। यहाँ पे देखिए स्कूल टी ऑलरेडी एग्जिस्ट दिखा रहा है, देख रहे हैं स्कूल नाम से जो डेटाबेस बनाया टेबल बनाया वो ऑलरेडी एग्जिस्ट दिखा रहा है। इसका आप नाम चेंज कर दीजिए, SCHOO कर दीजिए और यहाँ से इसे रन करा दीजिए, तो ये रन हो जाएगा।
और जब रन हो जाएगा तो दो टेबल नजर आएगी, एक तो स्कूल वाली जिसमें आपने प्राइमरी की नहीं बनाया और एक तो ये वाला जिसमें आपने प्राइमरी की बना दिया। ठीक है, तो अब यहां पर तो प्राइमरी की हो जाएगा ये, देखिए यहां पे आर ए एम राम, ठीक है, क्लास 12, ठीक है ना, यहां पे 2 करेंगे, यहां पे श्याम एस एच वाई ए एम, और यहां क्लास 11 कर देते हैं। यहां पे देखिए फिर 2 अगर देते हैं तो क्या यहां पे रिस्पांस होगा इसका, देखिए ये आए 11 मान लीजिए, अब यहां देखिए यहां पर ये एक्सेप्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से आपको करना है, दोनों में जो भी आसान लगे आप कर सकते हैं, दोनों ही डेटाबेस सॉफ्टवेयर है। उम्मीद करता हूं बात समझ में आई होगी कि इसको कैसे करना है। ठीक है, लेकिन अगर मान लीजिए आपने कोई टेबल बनाया और उसमें रिकॉर्ड इंसर्ट कराने हैं, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ एसक्यूएल क्वेरी, तो ये क्या माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में पॉसिबल है? जैसा कि आप यहां पे करते हो, यहां पे देखिए ये जो डेटाबेस हमने बनाया था माई एसक्यूएल के अंदर, तो यहां पर देख सकते हैं यहां पे 100 डेटाबेसेस हो गया। अब यहां पे यूज करेंगे डेटाबेस को, तो यहां पे यूज डेटाबेस किस नाम से है, एस सी एच एच, इसी नाम से तो है, तो ये हम डेटाबेस यूज करेंगे। ठीक है, तो जिस तरीके से लिखा गया वैसे ही लिख देंगे और यहां पे इसको यूज कर लेते हैं एस सी एच एच। अब देखेंगे कि इसको जब हम सेलेक्ट करके चलाएंगे तो ये डेटाबेस यूज में आ जाएगा, देखिए यहाँ पे यूज हो गया ये। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे टेबल बनाएंगे, तो वही चीज यहां पर भी है, देखिए क्रिएट टेबल, ठीक है, क्रिएट टेबल करके और टेबल का नाम यहाँ पे दे सकते हैं, जैसे मान लीजिए हम टेबल बना रहे हैं रेलवे के नाम से, चलिए इसी नाम से बना लेते हैं। और यहां पर क्या करेंगे, यहाँ पे अब जो है टिकट आईडी करते हैं, टिकट टी आई सी के ई टी, टिकट अंडरस्कोर आईडी, ठीक है, और इसका डेटा टाइप लिखेंगे, जो भी आपका डेटा टाइप है वो डेटा टाइप यहाँ पे मेंशन करिएगा आप। ठीक है, टिकट आईडी मान लीजिए इंटीजर हो गया, ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं नॉट नल प्राइमरी की, प्राइमरी की यहाँ पे बना दिया हमने। ठीक है, सेम वही चीज है जो वहां पे दे रहे थे आप, सेम वही चीज ये भी है। ठीक है, प्राइमरी की लिख देंगे, की छूट गया, प्राइमरी की, ठीक है, और फिर यहाँ कॉमा देंगे, और फिर यहाँ पे क्या करना है आपको, यहाँ पर जैसे ही अब आते हैं तो यहाँ पर नेम ऑफ पैसेंजर, नेम ऑफ पैसेंजर कर सकते हैं, पैसेंजर, ठीक है, तो ये हो गया नेम ऑफ पैसेंजर, और यहाँ पे पैसेंजर जो है टेक्स्ट डेटा टाइप होगा, तो ये टेक्स्ट दे दिया। अब मान लीजिए इतना ही रखना है तो इतना रख के और यहाँ से टर्मिनेट करिए और यहां से इसको चला दीजिए, तो इसको सेलेक्ट करिए और यहां से चलाइएगा तो देखिएगा कि टेबल बन जाएगा, देखिए यहां पे टेबल बन गया है। अब इसके कंटेंट को देखना है तो यहां पे डीईएससी चला सकते हैं, ठीक है, यहां पे देखिए यहां लिखा डीईएससी और यहां आर ए आई एल डब्ल्यू ए वाई एस नहीं किया, ये लीजिए हो गया। तो यहां से जब इसे चलाइएगा तो देखिएगा कि यहां पर ये बता रहा है कि टिकट आईडी किस तरह का डेटा टाइप है, तमाम चीजें ये बताई जा रही है। ठीक है, और यही तो सेम चीज माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में भी है। ठीक है, तो ये बहुत आसान है एक्सेस, मुझे लगता है कि इन कंपेरिजन टू एक्सेल, सॉरी इन कंपेरिजन टू माई एसक्यूएल ज्यादा आसान है। तो एक्सेस आप यूज कीजिए, चाहे माई एसक्यूएल यूज कीजिए, दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं। अब बात करें ये एस सी एच डबल ओ वाले टेबल की एक्सेस में, इसमें इंसर्ट कराना विद द हेल्प ऑफ एसक्यूएल क्वेरी, तो सेम वही काम आपको करना है। टेबल हमारी बनी पड़ी है, ठीक है, टेबल तो हमारा बना ही हुआ है, इसको मैं पहले क्लोज कर देता हूं। यहां पर ये कह रहा है ना कि यहाँ पे आपने डुप्लीकेट रिकॉर्ड इंसर्ट कर दिया है, तो यहाँ पे 3 कर दीजिए बस, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, फिर सेव करिए और इसको यहाँ से क्लोज कर दीजिए, तो ये अब आसानी से क्लोज भी हो जाएगा। और ये जो क्वेरी बनाई इसको भी सेव करके क्लोज कर देता हूँ। अब एक नई क्वेरी बनाते, क्योंकि हमको रिकॉर्ड इंसर्ट कराने हैं, तो यहाँ से इसमें जाएंगे और इसको क्लोज कर देंगे। ठीक है, तो हमें कौन सा लेना है, इसमें हमें लेना है एस सी एच डबल ओ। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा, इस डेटाबेस के अंदर 2 टेबल्स बनेंगे, एक एस सी एच डबल ओ और एक एस सी एच डबल ओ एल, तो हमें एस सी एच डबल ओ लेना है। ठीक है, तो यहां पर सबसे पहले क्या करेंगे, यहां पर लिखेंगे इंसर्ट, क्या लिखेंगे, इंसर्ट कमांड लिखेंगे, तो यहां पर लिखता हूं इंसर्ट इस तरीके से, और इनटू किसके अंदर इंसर्ट करना है, तो हमें इंसर्ट करना है एस सी एच डबल ओ के अंदर, इसी के अंदर इंसर्ट करना है, ये हमारी टेबल का नाम है। ठीक है, ब्रैकेट ओपन किया, अब इसमें पहला फील्ड हमको चेक करना है कि पहला फील्ड कौन सा है, तो यहाँ पे इसको ओपन कर लीजिए, देखिए पहला फील्ड है रोल नंबर। ठीक है, तो रोल नंबर इंसर्ट करना होगा, तो रोल नंबर 3 तक तो ऑलरेडी इंसर्टेड है, हमने लगा दिया इसमें। ठीक है, लेकिन 3 के बाद 4 इंसर्ट करेंगे हम। ठीक है, तो चलिए ये 4 इंसर्ट करते हैं, इसमें यहां से चलेंगे, ये हमारी क्वेरी है, तो रोल नंबर पहले करेंगे, तो रोल अंडरस्कोर नंबर, ये हो गया। तो रोल नंबर हम क्या इंसर्ट करेंगे, तो रोल नंबर यहां पे दे देते हैं, फिर यहां कॉमा दे देते हैं, नेम ऑफ स्टूडेंट है, नेम अंडरस्कोर ऑफ अंडरस्कोर स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स है या स्टूडेंट ये देखना होगा, तो यहां पे देख सकते हैं ये हमारा जो रिकॉर्ड है स्टूडेंट है, तो यहां पे स्टूडेंट कर लेंगे, सीधा सीधा स्टूडेंट कर लेते हैं, फिर कॉमा देते हैं, फिर क्या है, तो फिर हमारा है यहाँ पे क्लास, तो सी एल ए डबल एस क्लास, जैसे लिखा हुआ है वैसे लिख दीजिए सी एल ए डबल एस, ये हो गया। अब एंटर करिए
और यहाँ पे क्या करिए, वैल्यूज डाल दीजिए इसमें, वैल्यूज आ गया। अब रोल नंबर फोर से करना है ना, तो फोर कर दीजिए, कॉमा दीजिए, और यहाँ पे राजीव अगले स्टूडेंट का नाम हो गया, डबल डॉट कॉमा के अंदर लिखा जाएगा, और यहाँ क्लास हो गया 12, बस हो गया ये। और यहाँ से इसे टर्मिनेट कर दीजिए, पुराना वाला टेबल जो है, ये जो टेबल ओपन है इसको क्लोज रखिएगा, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है, जब चलाइएगा इस क्वेरी को तो इसको क्लोज रखिएगा, ठीक है। अब इसको यहाँ से चला देना है, डिजाइन पे जाके यहाँ से रन करवा देना है, ये रन हो जाएगा। देखिए कह रहा है यू आर अबाउट टू अपेंड वन रोज, मतलब एक रोज इसमें अपेंड हो रही है, ठीक है। अब जब इसको चलाएंगे तो देखेंगे कि राजीव वाला नाम इसमें इंसर्ट हो जाएगा, सेम यही प्रक्रिया तो माई एसक्यूएल में भी है। देखिए यहाँ पर माई एसक्यूएल वाला ये टेबल बन चुका है हमारा। अब इसके अंदर अगर हमको रिकॉर्ड इंसर्ट करने हैं तो यहाँ लिखेंगे इंसर्ट इनटू, इस तरीके से आई एन टी ओ, तो इंसर्ट इनटू किस में इंसर्ट करना है, तो टेबल का नाम है हमारा रेलवेज, आर ए आई एल डब्ल्यू ए वाई एस, रेलवेज, और यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करेंगे, ठीक है। अब ब्रैकेट ओपन किया तो सबसे पहले टिकट आई डी है, तो यहाँ पे डाल दीजिए टी आई सी के ई टी टिकट अंडरस्कोर आई डी, जैसे लिखा हुआ वैसे ही लिख दीजिए, कॉमा दे दीजिए, और कॉमा देने के बाद क्या करना है, यहाँ पर नेम ऑफ पैसेंजर डालना है, नेम अंडरस्कोर ऑफ अंडरस्कोर पैसेंजर, पी ए डब्ल एस ई एन जी ई आर, यही है, तो ये डाल दिया हमने। अब ये डाल के क्या करना है, ये डाल के इसको बंद करना है और एंटर कर देना है, सिंपली एंटर करके आइए और यहाँ पे वैल्यूज डालिए, अब वैल्यूज, ठीक है, तो जो भी वैल्यूज डालेंगे वो इसमें आती चली जाएंगी, ठीक है। नेम ऑफ पैसेंजर जैसे लिखा हुआ पी ए डब्ल एस ई एन जी ई आर, वैसे ही हमें भी लिखना है, ठीक है, तो ये लिख भी दिया है हमने। अब यहाँ पर टिकट आई डी मान लीजिए यहाँ पर है ई, अब देखिए ये टिकट आईडी का डेटा टाइप हमें एक बार चेक करना होगा क्या डेटा टाइप रहा है टिकट आईडी का, तो टिकट आईडी हमने इंटीजर रखा है, तो यहाँ पे इंटीजर में यहाँ पे मान लीजिए ये हमने दे दिया, कॉमा दिया, और फिर यहाँ पे पैसेंजर का नाम है रमेश कुमार, ठीक है, तो ये रमेश कुमार दे दिया डबल डॉट कॉमा में, ये काम हो गया, ठीक है, यहाँ पे ये काम हो गया। यहाँ पे टर्मिनेट करेंगे तो ये हमारा काम हो जाएगा। अब ये इसको इस तरह से सेलेक्ट करना है और यहाँ पे रन करवा देना है, तो यहाँ पे हमारी क्वेरी रन हो जाएगी, देख सकते हैं यहाँ पे रन हो गई है। तो अब अगर हम सेलेक्ट कमांड का यूज करते हैं, सेलेक्ट एस्ट्रिक लगाएंगे फ्रॉम, अब टेबल का नाम है रेलवेज, आर ए आई एल डब्ल्यू ए वाई एस, तो रेलवेज कर दिया और यहाँ से टर्मिनेट किया, और यहाँ से इसको सेलेक्ट करके और इसको यहाँ से चला दीजिएगा, तो आप देखिएगा कि यहाँ पे रमेश कुमार जो है रिकॉर्ड इंसर्ट हो गया। तो दोनों में लगभग सेम है, लेकिन एक्सेस में क्या है कि एक बार आपने बना लिया तो यहाँ से भी कर सकते हैं। आप देखिए इसमें ज्यादा थोड़ा सा कन्वीनियंट फील होता है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे अगला नाम आ गया, ठीक है, अगला यहाँ पे क्लास आ गया, तो ये इस तरीके से भी हो सकता है, ठीक है। तो दोनों मैंने बता दिया, उम्मीद करता हूँ दोनों ही बात समझ में आ गई होगी कि दोनों कैसे करना है, ठीक है ना। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिसका नाम है कंप्यूटर एंड एक्सेल सॉल्यूशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।